हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। रोज़ एक ही तरह के खाना खा करके बच्चे हो या बड़े सभी बोर हो जाते हैं, तो आज हम घर के इंग्रेडिएंट से कम समय में कम मेहनत में होटल या स्ट्रीट स्टाइल वेज फ्राइड राइस हम घर पे बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होगा। इस तरह फ्राइड राइस घर पे बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगा और इसे बनाना भी बहुत आसान होगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए जल्दी से वेज फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप डेली बासमती राइस। होटल वाले भी फ्राइड राइस बनाने के लिए इसी चावल का यूज़ करते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें बिरयानी या पुलाव का चावल नहीं चाहिए, ये डेली यूज़ बासमती राइस है। और अब हम चावल में पानी डालकर इसे 1 से 2 बार हाथ से मिलाते हुए चावल धो लेंगे, जिससे चावल में लगा हुआ धूल और डस्ट अच्छे से धुल जाएगा। आप इसे 1 से 2 बार पानी से अच्छे से वॉश कर ले, जिससे चावल हमारा अच्छे से साफ और क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए, चावल को यहाँ मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम इसमें पानी डाल करके चावल को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और अब हम पानी गर्म होने के लिए रखेंगे और ये देखिए, पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। और अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल डाल करके मीडियम फ्लेम पे ढक कर चावल को हम पकने देंगे। फ्राइड राइस बनाने के लिए चावल को हम 90% ही पकाएंगे, जिससे चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। चावल को बीच बीच में इस तरह अच्छे से हम मिला लेंगे, जिससे चावल हमारे बहुत अच्छे से पकेंगे और फ्राइड राइस बिल्कुल ही हमारा खिला खिला बनेगा। चावल जब तक हमारे बन रहे हैं, चलिए हम फ्राइड राइस बनाने के लिए सब्जियां कट कर लेंगे। यहाँ मैंने पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और बीन्स लिया है। और यहाँ मैंने सारे सब्जियों को अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। और चलिए अब हम इसे काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड लेंगे और सारे सब्जियों को हम चाकू से छोटे छोटे या बिल्कुल ही बारीक कट कर लेंगे, जिससे फ्राइड राइस बनाने समय बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और सब्जियां हमारे बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने बीन्स को बिल्कुल ही बारीक कट किया है और इसी तरीके से यहाँ मैंने सारे बीन्स को कट कर लिया है। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और सेम तरीके से ही प्याज को भी हम छोटे छोटे बारीक पीस में कट कर लेंगे। फ्राइड राइस बनाने के लिए आप इसमें और भी अपने पसंद का वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास इनमें से एक या दो इंग्रेडिएंट ना हो तो भी आप इजीली फ्राइड राइस बना सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने प्याज को अच्छे से बिल्कुल बारीक कट कर लिया है और प्याज बिल्कुल इक्वल साइज में कटे हैं। और अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। शिमला मिर्च लेंगे, शिमला मिर्च को काट लेंगे और अब हम इसके बीच वाले बीज को निकाल करके शिमला मिर्च को भी छोटे छोटे पीस में इक्वल साइज में ही कट कर लेंगे। शिमला मिर्च से वेज फ्राइड राइस में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो हो सके तो आप शिमला मिर्च को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ये देखिए, यहाँ मैंने शिमला मिर्च को भी सेम तरीके से बारीक काट लिया है और अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम बाकी बचे सब्जियों को भी सेम तरीके से छोटे छोटे या बारीक कट कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने सारी सब्जियों को बिल्कुल एक साइज में बारीक कट कर लिया है और चावल भी हमारा पक गया है। यहाँ मैंने चावल का एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए थाली में फैला लेंगे, जिससे चावल हमारे बिल्कुल ही परफेक्ट और खिले खिले रहेंगे। और चावल को हम चम्मच से एक बार फिर से अच्छे से फैला लेंगे और चावल को अब हम साइड में रखेंगे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को हम हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। होटल जैसा फ्राइड राइस बनाने के लिए गैस का फ्लेम हाई ही रखें। हाई फ्लेम पे फ्राइड राइस बनाएंगे तो आपका फ्राइड राइस बिल्कुल ही बाजार या स्ट्रीट स्टाइल बनेगा। और ये देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन से फ्राइड राइस में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसे 20 सेकंड के लिए चलाते हुए हाई फ्लेम पे अच्छे से ऑयल में मिला लेंगे। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज डाल करके इसे भी हम 20 सेकंड के लिए चलाते हुए मिला लेंगे।
जिससे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और प्याज का कलर चेंज हो जाएगा। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ बीन्स डालेंगे और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ गाजर डालेंगे, बारीक कटा हुआ कैबेज या पत्ता गोभी डालेंगे, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च या कैप्सिकम डालेंगे, एक चौथाई कप स्वीट कॉर्न डालेंगे। सारे सब्जियां या वेजिटेबल्स डालकर हाई फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे सब्जियां हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे लेकिन सब्जियों में क्रंचीनेस या क्रंच बना रहेगा, जिससे फ्राइड राइस हमारे बिल्कुल ही परफेक्ट बनेंगे। सब्जियों को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है और ये देखिए सब्जी हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और अब हम इसमें 2 चम्मच वाइट विनीगर या सिंथेटिक विनीगर डालेंगे और अब हम इसे चलाते हुए मिला लेंगे। 1 चम्मच रेड चिल्ली पेस्ट डालेंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा कलर और रेड चिल्ली का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और अब हम इसे चलाते हुए मिला लेंगे। 1 चम्मच टमाटर केचप या टमाटर सॉस डालेंगे और इसमें इस टाइम पे 1/4 चम्मच काली मिर्च या ब्लैक पेपर का पाउडर डालेंगे। यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने ब्लैक पेपर का यूज़ नहीं किया है। और इसमें 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस डालेंगे। ग्रीन चिल्ली सॉस ज़्यादा तीखा नहीं होता है लेकिन इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसे भी चलाते हुए 20 सेकेंड के लिए अच्छे से मिला लेंगे। सब्जियां हमारे सॉस के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसमें बॉईल किए हुए चावल डालेंगे और अब हम इसमें स्वाद अनुसार या 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक का यूज़ हमें ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि सॉस में भी नमक रहता है। और अब हम इसे चलाते हुए मात्र 1 मिनट के लिए सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे फ्राइड राइस हमारा बिल्कुल मार्केट या स्ट्रीट स्टाइल बनके तैयार हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ मैंने सब्जियों के साथ इसे अच्छे से मिला लिया है और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे क्योंकि हमारा फ्राइड राइस बिल्कुल परफेक्टली बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए दोस्तों फ्राइड राइस में बिल्कुल मार्केट जैसा ही कलर आ गया है। और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे क्योंकि फ्राइड राइस गर्मा गर्म ही खाने में बहुत अच्छा लगता है। फ्राइड राइस को हम प्लेट में सर्व करेंगे। और दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। डेली के दाल चावल से अगर आप बोर हो गए हैं तो आप घर की सब्जियां और चावल से बनाइए मिनटों में फ्राइड राइस, जिसे खा करके बच्चे हो या बड़े सभी आपकी तारीफ करेंगे। हम इस पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया के साथ इसे गार्निश करेंगे और ये देखिए फ्राइड राइस हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। और चलिए अब मैं आप सभी के साथ मिलती हूँ एक और नए रेसिपी के साथ।